हर कोई चाहता है उसे उसके जीवन में एक ऐसी बस मिले जो उसे सीधा सीधा उसकी मंजिल तक पहुंचा दे, पर वो ये भी जानता है कि ऐसी तो कोई बस है ही नहीं। भाई अगर आप इस बात को लेकर कहीं उलझ गए हैं ना, तो अगर आप बस स्टैंड पर भी खड़े हो जाएं, तब भी आपका आपकी यात्रा पर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी बसें बदलनी पड़ती हैं। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? वैसे आज बात आपके बस की नहीं, ना तो मेरे बस की है। आज बात बस नंबर 7122 की है। ये बस हर दिन भागलपुर से 9 बजे छूटती थी, अपने सुनिश्चित समय पर सुनिश्चित रास्तों से गुजरती और सुनिश्चित मंजिल पर जाकर रुक जाती। इस बस का कंडक्टर सोमेश एक 29 साल का युवक था, जिसे बस के यात्री बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। बड़ा ही मिलनसार और हंसमुख था और मेहनती भी। हर दिन एक ही गाना गुनगुनाता था, मैं तो चला जिधर चले रास्ता, और ये गाते गाते यात्रियों का सफ़र भी अच्छा कट जाता था। अच्छा, सोमेश को एक ऐसी पीड़ा थी जिसके बारे में उसने कभी किसी से कोई जिक्र नहीं किया था। सोमेश अपनी कदकाठी से थोड़ा परेशान था, वह अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करता था और उसे इस बात का बहुत दुख था। और दुख ही नहीं, इसी वजह से उसका आत्मविश्वास भी कमज़ोर होता जा रहा था। वह जब भी किसी लंबे चौड़े इंसान को देखता, उसके सामने खुद को बड़ा छोटा और असहाय महसूस करने लगता। उसके सामने वो कुछ बोल ही नहीं पाता था, पर उसने इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया था। उसे अपनी कदकाठी की बड़ी चिंता थी, पर आजकल उसे एक और चिंता थी। पिछले कुछ दिनों से इस बस में एक यात्री बिना टिकट के यात्रा कर रहा था, और सोमेश इस यात्री से टिकट पूछने से भी घबराता था। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ये यात्री एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बड़ी बड़ी मूंछ वाला नौजवान था। हर दिन बस में बड़े रौब से चढ़ता और सबसे आगे वाली सीट पर जाकर फैल कर बैठ जाता और अपनी मूंछों को ताव देता रहता। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो कोई नामी गिरामी अखाड़े का पहलवान है वो। सोमेश उसे टिकट मांगने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। जब भी ये यात्री बस में चढ़ता, सोमेश उसे देखकर सहम जाता। उसे लगता, अरे बाप रे, इसे मैंने अगर टिकट के लिए पूछा तो कहीं इसने मुझे उठाकर पटक दिया तो। वैसे सोमेश ने सोच लिया था कि वो इस यात्री को एक न एक दिन बस से उतार कर ही दम लेगा, और इसलिए सोमेश ने काफ़ी मेहनत भी शुरू कर दी थी। वह भोर होते ही उठ जाता, दूध बादाम खाता, व्यायामशाला जाता, जूड़ो कराटे सीखता और ना जाने क्या क्या। आज 25वां दिन था। ये यात्री पिछले 25 दिनों से बिना टिकट के इस बस में यात्रा कर रहा था। वैसे सोमेश की कदकाठी में व्यायाम करने से ऐसा कोई फर्क तो नहीं आया था, पर हाँ, सोमेश का आत्मविश्वास वो ज़रूर मजबूत हो गया था। सोमेश ने अपनी छाती तानी और इस यात्री के सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे कहा, आप पिछले बहुत दिनों से इस बस में आ रहे हैं पर आप टिकट नहीं लेते, आज से टिकट खरीद लीजिए। यात्री ने घूर कर सोमेश की तरफ देखा और कहा, मुझे टिकट की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बस का पास है।
लो हो गया ना बेड़ा गर्क, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। भाई कुछ करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा विचार विमर्श कर लीजिए। ये नहीं कि छाती चौड़ी की, सीना तान लिया और निकल पड़े समस्या का समाधान ढूंढने, पहाड़ काटने। भाई ये समस्या तो हमारी निजी और व्यावसायिक जिंदगी में भी होती रहती है। समस्या होती नहीं है और हम उस पर इतना पैसा, इतनी मेहनत और इतना समय बर्बाद कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि भाई बस का टिकट तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, बस का पास सामने ही था। एक मजे की बात बताऊं, समस्याएं बिल्कुल गुब्बारों की तरह होती है, जिसमें आप जितना फूंक मारेंगे ना उतना बड़ा होता जाएगा और हाँ बाद में मुंह भी दुखने लगेगा। बेहतर यही है कि आप गुब्बारे फुलाइए जरूर, क्योंकि आपके चेहरे के लिए अच्छा है, पर गुब्बारे अपने आत्मविश्वास के फुलाइए, समस्याओं के नहीं। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद है तो मेरी कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और हाँ आगे से बस का पास एक बार चेक कर लीजिएगा।